दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है मोती कैसे बनता है और इनकी खेती कैसे की जाती है? दोस्तों आप सभी लोगों ने ऐसा मोती तो बहुत देखा होगा, लेकिन आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि ये मोती कैसे और कहां से बनती है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको भी मालूम चल जाएगा कि मोती कैसे बनता है और इसकी खेती कहाँ पर होती है। आप सभी ने मोती या फिर मोतियों से बनी माला जरूर देखी होगी। बता दें कि मोती छोटे और गोल गोल सफेद रंग के पत्थर के टुकड़ों की तरह दिखते हैं। मोतियों का इस्तेमाल गहनों के साथ साथ और भी कई जगह किया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोती कैसे और कहां बनता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मोती कहाँ बनता है। तो चलिए दोस्तों आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। आपको बता दें कि समुद्र में घोंगा प्रजाति के जीव रहते हैं जिनके पेट में मोती बनता है। कई लोग सोचते हैं कि घोंगा इन्हें पैदा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद ये बात आप जानते होंगे कि घोंगा अपनी रक्षा के लिए एक बेहद मजबूत खोल में रखता है। और बता दें कि इस खोल को सिप कहते हैं। अगर आप सभी लोगों को सिप का मतलब नहीं पता है तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिप इस तरह का दिखता है। बता दें कि कभी कभी जब हजारों में से किसी एक दो सिप में खोल में छेद हो जाता है तो जिस वजह से उसके अंदर बालू के कण चले जाते हैं, और ऐसी स्थिति में सिप के अंदर बालू उन कणों पर एक खास तरह के पदार्थ की परत चढ़ने लगती है। दोस्तों इस साल मोतियों ने हमारे जीवन में एक खास जगह बनाई हुई है। मोतियों गहने में लगने वाला एक दुर्लभ क्रिस्टल है। असल में दोस्तों आपको बता दें, बाकी चीजों की तरह मोतियों को फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। मोती एक समुद्री जीव के अंदर पनपनाता है, इसलिए वह बहुत अनमोल है। आपको बता दें एक मोती का बनना सिप की खासियत पर निर्भर होता है। तो आपको बता दें कि इस खास पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये उस जीव के अंदर ही उत्पन्न होता रहता है, और समय के साथ साथ यह एक सफेद रंग के चमकीले गोल आकार का पत्थर जैसा बन जाता है जिसे मोती कहा जाता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मोती इसी तरीके से दिखता है, बिल्कुल चमचमाता हुआ। बता दें कि मछुआरे इन सीपों को इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें तोड़कर उनमें से मोतियों को रख लेते हैं। लेकिन आप ये बात जानते होंगे कि आजकल मोतियों की डिमांड काफी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से आजकल इनकी खेती की जाने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मोतियों की खेती की जाने लगी है। इसके डिमांड को देखते हुए इन सब मोतियों का खेती करना शुरू हो गया है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मोतियों की खेती कैसे की जा सकती है, तो आपको बता दें कि मोतियों की खेती में नकली तरीके से सीपों में छेद किया जाता है, और फिर इनमें बालू के कण पहुंचा दिए जाते हैं, और फिर धीरे धीरे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ने लगती है, और जिससे मोती बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीप के अंदर बालू के कण चले जाते हैं जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, और उसी से मोती तैयार होता है। दोस्तों अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि मोती कैसे बनता है और इसकी खेती कैसे की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि मोती कितना महंगा बिकता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से लाखों कमाना चाहते हैं तो आपके लिए मोती की खेती एक बेहतर विकल्प हो सकती है। मोती की मांग इन दिनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी अधिक है, इसलिए इसके अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। आप महज 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से इससे करीब 1.5 लाख से 20 लाख रुपए, यानी हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया मोती कैसे और कहाँ पर उत्पन्न होती है। और दोस्तों आपको तो मालूम है इस समय मोती की मांग कितनी ज्यादा है, क्योंकि हर एक शादी विवाह में मोती चढ़ाई जाती है। दोस्तों अगर आपको मोती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है,
देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।